बरेली जिले के दीपमाला हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमन मल्होत्रा जी ने बताया कि इस कोरोना वायरस की चर्चा हर कहीं हो रही है। हाल में ही इसके तेजी से फैलने की बात भी सामने आई है। यह कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को भी हो सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों में भी संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं। इस मौजूदा वायरस को लेकर यही सबसे बड़ा डर है कि इससे सबसे पहले ही फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। इस वायरस के संक्रमण से शख्स को खांसी और जुकाम की शिकायत हो जाती है। आइए देखिए कि आखिर डॉक्टर साहब ने आगे और क्या कहा। हम लोग इतने शताब्दियों से जानते हैं कि मनुष्य में जुकाम होता है। आपको याद होगा बचपन में भी जुकाम होता था, माँ कहती थी कि दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक होगा और दवाई नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जैसा मनुष्यों में जुकाम फैलते हैं तो जो जानवरों के जुकाम होते हैं, चमगादड़ों में फर्क किस्म का जुकाम होता है, सुअरों में फर्क किस्म का जुकाम होता है, इनके जुकाम भी एक वायरस है। तो जो जानवरों के जुकाम जब आदमियों में आ जाते हैं तो आदमियों के ऊपर कहर बरसाते हैं, क्योंकि जो आपका जुकाम है उन्हें आप शताब्दियों से जानते हो, आपके बॉडी ने उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लिया है, आपके बॉडी में उनके आते से ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं। लेकिन जो दूसरे जानवरों के जो जुकाम हैं, दूसरे जानवरों के जो वायरस हैं, इनको हमारा शरीर पहचानता नहीं है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इनको नहीं पहचानता है, ना तो उनके लिए एंटीबॉडीज बनती हैं और ना हमारा शरीर ऐसे वायरस से लड़ सकता। देखिए आज की ये पता तो चीन से और दूसरी बड़ी लेबोरेटरी ने ही सिद्ध किया कि कोरोना वायरस है। उन्होंने इस वायरस की डीएनए सीक्वेंस को, आरएनए सीक्वेंस को रीड किया और उससे पता चला कि कोरोना वायरस है। आज की तारीख में हमको अगर डायग्नोसिस करनी है कि किसी को कोरोना वायरस है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी तक बरेली में कोई पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का अभी तक नहीं मिला है। पीलीभीत और पूरनपुर में कुछ लोग जो चीन से लौट के आए थे उनको आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन उनमें भी कोई कोरोना वायरस की भयंकर वाला केस नहीं हुआ है। तो एक बात समझ लें कि अभी तक बरेली में कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं आया है। दूसरी बात यह है साहब कि अगर कोरोना वायरस का पेशेंट आया, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने की, या जिसे COVID-19 नया नाम दिया गया है, उससे इन्फेक्शन किसी को है, तो वो सिद्ध कैसे होगा? वो सिद्ध सिर्फ इस हालत में होगा जब उसके स्पूटम से या बलगम से या गले से उसके टेस्ट में कोरोना वायरस आ जाए। ये टेस्ट सरकारी डिपार्टमेंट्स में होता है, PGI में और पुणे में होता है। अगर किसी इस तरह का कोई पेशेंट आया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसकी रिपोर्ट भेजी जानी होगी। दूसरी बात, हम कैसे शक करेंगे कि किसी को कोरोना वायरस है? तो उसके लिए WHO ने डेफिनेशन दी है कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर अगर कोई व्यक्ति चीन से आया है या पिछले 2 हफ्ते के अंदर वो किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया है जो कोरोना वायरस का नॉन पेशेंट है या जो चीन से आया था और उसको बीमारी के लक्षण थे, और ऐसे व्यक्ति में अगर कोरोना वायरस की बुखार के लक्षण आते तब उसमें हमें सुबह करना पड़ेगा। क्या है लक्षण कोरोना वायरस के, आप जानते ही होंगे, खांसी, जुकाम और सांस फूलना। लेकिन इसकी इस बीमारी में और दूसरे जुकाम में क्या फर्क है? इस बीमारी में और दूसरे जुकाम में फर्क यह है कि जैसा कि मैंने कहा, हमारा शरीर इस वायरस को नहीं पहचानता है। तो वो इसमें हल्का सा खांसी आएगी, जुकाम होगा, और उसके बाद हो सकता है कोई बुखार ना आए, कोई बलगम ना बने और सीधे ही सांस फूलने लग जाए। और ये वायरस जो चीन से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बहुत सारे पेशेंट में, 50% पेशेंट में दरअसल एक्सरे में कोई खास लक्षण आते भी नहीं है, और जो है सीधे ही CT स्कैन कराने पर ही पता चलता है कि कोरोना वायरस से मनुष्य को निमोनिया हो रहा है। देखिए, आप देख ही रहे होंगे आजकल तो वेब से और इंटरनेट पे इतनी सारी साइट्स हैं जो लगातार आपको वो दे रही हैं, टोल दे रही हैं। उसके हिसाब से करीबन 1300 के आसपास व्यक्ति मर चुके हैं, 40,000 से ज्यादा में इस इन्फेक्शन की पुष्टि हो चुकी है, और खुद चीन के अंदर और पूरी वर्ल्ड में इसके अलावा अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 60,000 के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं। बात यह नहीं है कि कितने लोग संक्रमित हुए हैं, बात यह है कि कितनी तेजी से ये फैल रहा है। जैसे कि हम बताएं, ये जो है सेकेंडरी अटैक रेट, SAR जिसे कहते हैं, या N0 जिसे कहा जाता है, वो एक मानक होता है कि एक व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हुई तो वो कितने लोगों को और इन्फेक्शन दे सकता है।
जैसे सार्स के लिए ये 2 माना जाता था, कोरोना वायरस पेशेंट बहुत तेजी से फैलता है, वो ज्यादातर खांसी से फैलता है। खांसी होने से जो आपके गले के अंदर थूक और बलगम होती है उसके संग ये मिश्र हो जाता है। जब खांसते हैं तो ये 60 फीट तक की दूरी तक ये खांसी जा सकती है, 3 फीट की दूरी तक बिल्कुल तेज हवा, 6 फीट की दूरी तक बड़े बड़े टुकड़े, और उसके बाद जो थूक सूख जाता है बहुत छोटे कण बन जाते हैं, उसके संग वायरस करीबन 60 फीट तक भी जा सकता है। तो आमतौर पर ये ड्रॉपलेट द्वारा हवा से जो है ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर ये वायरस मान लीजिए किसी ने खांसा और हाथ में बलगम है और दरवाजा छुआ या टेबल छुई या चम्मच छुआ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई चीज छुई और किसी व्यक्ति ने 24 घंटे के अंदर उसको फिर से छू लिया, तो उसके हाथ में भी वो वायरस आ जाएगा।